नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लातेहार के पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर। लातेहार के जगड़ा पहाड़ जंगल में पिछले दिनों हुई पुलिस मुठभेड़ मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत कई इनामी नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। झारखंड जगुआर और नक्सली संगठन जेजेएमपी के बीच गत 28 सितंबर 2021 को सदर थाना क्षेत्र के नावाड़ी ग्राम के जगड़ा जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत 40 नामजद उग्रवादियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कई इनामी नक्सली हैं। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह सदर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 236/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत जेजेएमपी के पप्पू लोहरा, सुशील उराव, लवलेश गंजू, शिवा सिंह, गणेश लोहरा, शिव पूजन, विनय व मिथुन समेत 40 नामजद उग्रवादियों के अलावा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि उक्त मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए थे, जबकि पुलिस की गोली से जेजेएमपी का एक उग्रवादी कुंदन कुमार ढेर हो गया था। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक AK-56 समेत कई अत्याधुनिक हथियार एवं 400 कारतूस बरामद किए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस ने जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा पर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित किया गया। वहीं बीरबल उराव उर्फ सुशील उराव तथा लवलेश जी उर्फ लवलेश गंजू पर 5-5 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है, जबकि शिवा सिंह, गणेश लोहरा उर्फ विकास जी भगवान व शिव पूजन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने पूर्व से घोषित कर रखा है। पप्पू लोहरा सदर थाना क्षेत्र के कोने, सुशील उराव मनिका लवलेश गंजू बालूमाथ थाना क्षेत्र के कुरियाम खुर्द, शिवा सिंह सदर थाना क्षेत्र के जेर, गणेश लोहरा पलामू जिला के पांकी थाना क्षेत्र के मतली तथा शिव पूजन गढ़वा जिला के ढोल कदवा गांव का रहने वाला है। झारखंड के लातेहार से पुष्पांजलि कुमारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज।